हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज मॉल। और आज के वीडियो में रोजाना की तरह 50 क्वेश्चंस का सेट है बिहार दरोगा एसआई पीटी के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और लगाते हैं टेस्ट को। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निदेशक तत्व में। और ये अगर पार्टिकुलर अनुच्छेद पूछा जाए तो ये है अनुच्छेद 48 में, जिसका कि संबंध है कृषि तथा जो पशुपालन है उनके संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों से करना। इसके साथ ही साथ गाय तथा बछड़े या फिर अन्य जितने भी दुधारू पशु हैं, जानवर हैं, उनका वध का प्रतिषेध करने के लिए उठाए गए कदम से हैं। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से सदस्य शामिल होते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, केवल चार। तो केवल चार में क्या दिया गया है कि संसद के दोनों सदनों व सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये सही ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र तथा रोग निवारण का वर्णन किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, अथर्ववेद में। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? आंसर है ऑप्शन डी, 51वां स्थान। नॉर्वेस्टर निम्नलिखित में से किस देश में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है? आंसर है ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, यहाँ पे दिया गया है कि फ्लोराइड आयन और ये अपच, तो यहाँ पे दिए गए हैं कमी या फिर अधिक से होने वाले रोग। तो फ्लोराइड आयन की अधिकता से अपच नहीं होती है, बल्कि इसकी अधिकता से दांतों में सड़न होने लगती है। ठीक है, बाकी का ऑप्शन सही है कि तो ये पारे की अधिकता से मिनीमाता रोग होता है, कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है, और नाइट्रेट आयन की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी, पूर्णिया। बिहार का पूर्णिया जिला जूट उत्पादन क्षेत्र में मतलब जो है बिहार के कुल उत्पादन का 70% भाग यहां से प्राप्त होता है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, ये प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था 1885 में, और ये जो है इसकी अध्यक्षता जो है ये की गई थी डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा, और इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये बम्बई में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? आंसर है ऑप्शन बी, दिया गया कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के सचिव महात्मा गांधी थे, तो यहाँ पे ये गलत है क्योंकि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के सचिव जो है वो थे सैमुअल हारे। बाकी के ऑप्शन सही हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था, और भीमराव आम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित था? आंसर है ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये करो या मरो का नारा दिया गया था। ध्वनि की तारत्व किस पर निर्भर होता है? आंसर है ऑप्शन ए, उसकी आवृत्ति पर।
निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, पीट। पीट कोयला में कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो है 50% से भी कम होता है। और अगर सबसे अधिक पूछा जाए तो सबसे अधिक कार्बन की मात्रा जो है वो होता है एंथ्रासाइट कोयला में 90-98%। किस वायसराय को नागरिक सेवा का जनक माना जाता था? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कार्नवालिस को। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदियां हैं? आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 3। गंडक, रामगंगा और सोन, ये सभी जो है गंगा की सहायक नदियां हैं, जबकि वेन गंगा ये गोदावरी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात सरावती नदी पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, जोग प्रपात। जोग या फिर से गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, तो ये कर्नाटक में सरावती नदी पर स्थित है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी पर स्थित है, धुआंधार जलप्रपात ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है, और दूध सागर प्रपात ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रवाल द्वीप है? आंसर है ऑप्शन ए, लक्षद्वीप। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि? आंसर है ऑप्शन ए, सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। ल्यूकेमिया जो है एक प्रकार का ब्लड कैंसर है, जिसमें WBC, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल, WBC की संख्या के अत्यधिक बढ़ने के कारण यह उत्पन्न होता है। निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? आंसर है ऑप्शन बी, एपिडर्मिस। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रमण रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? आंसर है ऑप्शन सी, विषाणु। विश्व दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 3 दिसंबर को। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है ऑप्शन डी, तीव्रतर धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट ये 1919 में पारित हुआ था। विश्व का पहला जैविक राज्य होने का गौरव किसे प्राप्त है? आंसर है ऑप्शन ए, सिक्किम को। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, 94वां। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन पटना में किया था? आंसर है ऑप्शन ए, हुंकार का। संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के ग्राम पंचायत में मतलब कि 33% स्थान आरक्षित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत।
इसके द्वारा संविधान के भाग 9 में तथा अनुच्छेद 243 और अगर अनुसूची पूछा जाए तो अनुसूची 11 को जोड़कर संपूर्ण भारत में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया और इसके अंतर्गत जो है भारत में महिलाओं के लिए 33% स्थान जो है आरक्षित किया गया। 20वें एशियन गेम 2026 निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागोया जापान में। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जा चुकी है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 बार। पहला जो हुआ था 1962 में, दूसरा 1971 में और तीसरा 1975 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 217 का 2 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित स्तंभ है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आलू। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सिख के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को फांसी का आदेश दिया था? आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर ने। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? आंसर है ऑप्शन ए, शेरशाह। मराठा का अंतिम पेशवा निम्नलिखित में से कौन था? आंसर है ऑप्शन डी, बाजीराव द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? आंसर है ऑप्शन ए, पायरिया। पायरिया जो है ये मसूड़े एवं दांतों को प्रभावित करता है और ये जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। बाकी के जो ऑप्शन है, टिटनेस, प्लेग, क्षय रोग, ये सभी बैक्टीरिया के कारण होता है। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? आंसर है ऑप्शन ए, वातापी। निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट ने परामर्श दिया कि योजनागत और गैर योजनागत व्यय के भेद को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? आंसर है ऑप्शन बी, सी रंगराजन समिति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 के तहत। हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्णरेखा नदी पर। निम्न में से किस बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया? आंसर है ऑप्शन ए, अहमद शाह बहमनी ने। बिहार में बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है ऑप्शन बी, विलायत अली ने। भारत में संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था? आंसर है ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है ऑप्शन बी, राज्यपाल।
पॉपिंग क्रीज एवं शॉर्ट पिच का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? आंसर है ऑप्शन डी, क्रिकेट से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आंसर है ऑप्शन बी, भटनागर पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है कि साहित्य के क्षेत्र में संबंधित है, तो यहाँ पे ये गलत दिया गया है क्योंकि भटनागर पुरस्कार जो है ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि उसी के क्षेत्र में ये दिया जाता है। बाकी का ऑप्शन सही है, बोरलॉग पुरस्कार ये कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। व्यास सम्मान ये साहित्य के क्षेत्र में और ग्रैमी पुरस्कार ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। निखिल बनर्जी का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? आंसर है ऑप्शन सी, सितार से। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है ऑप्शन डी, यहाँ पे दिया गया कि काजीरंगा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ पे गलत है क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में स्थित है। बाकी के ऑप्शन सही हैं, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में और मानस वन्य जीव अभयारण्य ये असम में स्थित है। मलेशिया का किंटा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर है ऑप्शन डी, टीन उत्पादन के लिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन सी, 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 में। तो ये थे 50 क्वेश्चंस का सेट। आई होप कि सेट आपको अच्छा लगा होगा। आप चाहें तो अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो हमारे वेबसाइट में दे दी जाएगी, वहाँ से आप चाहे तो इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।